हेलो एवरीवन, मैं समन सिमरन। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ दाल तड़का की रेसिपी। जैसा कि आजकल क्राइसिस के दिन चल रहे हैं, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मेरे पास है 1 कप चना दाल। इसे मैंने वाश कर लिया है और पानी में छोड़ दिया था करीब 15 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसे सोक नहीं भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी के तरफ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने गैस के फ्लेम को ऑन कर लिया है। एक कुकर रख ली है मैंने। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। 1/2 लीटर पानी चला जाएगा इसमें। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून यहाँ पे मेरे पास है धनिया का पाउडर। और सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नमक। ये मेरे पास है टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने सारे स्पाइसेस को डाल दिया है पानी में। तो अब मैं दाल को डाल दूंगी। ये बहुत सिंपल तरीका है तड़का बनाने का, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। जो लोग खाना बनाना अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है। बेसिक रेसिपी है, लेकिन बहुत टेस्टी है। तो पूरे दाल को मैंने डाल दिया। तो अब मैं कुकर के लिड को बंद कर दूंगी और करीब हम 6 से 7 व्हिसल आने तक इसे छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे। करीब 6 व्हिसल आ चुके हैं, तो अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे ऊपर कर लें। ये देखिए पूरा स्टीम निकल चुका है। तो अब मैं कुकर को खोल के चेक कर लूँगी। दाल अच्छे से गल चुका है, आप देख सकते हैं। और ये अभी खड़ा खड़ा भी है। इसी तरह का हमें दाल चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा मैशी चाहिए तो आप 1 सीटी और लगवा दें। तो दाल उबल चुके हैं, अब हम तड़का बनाकर तैयार कर लेंगे। तड़का के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक नॉनस्टिक की पैन रख ली है। अब मैं फ्लेम को ऑन कर लूँगी। पैन को थोड़ा सा गर्म हो जाने दें। ये देखिए पैन गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हें थोड़ा सा गर्म हो जाने दें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चुटकी खड़ा जीरा और 1 चुटकी पंच फोरन। इनसे दाल के तड़के में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे स्किप ना करें बिल्कुल भी। ये देखिए ये दोनों चीज़ें तड़क चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है, 1 इंच अदरक और 2 लहसुन की कलियाँ। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया था। अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम, जब तक इन सारी चीज़ों का कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। फ्लेम को हम लो कर देंगे, इसे लगातार चलाते रहें। ये देखिए करीब 2 मिनट हो चुके हैं और चलाते हुए इनका कलर लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे निकाल लूँगी। ये देखिए दाल भी बन चुकी है। इसे मैंने एक बार फिर से फ्लेम पर रख दिया है और तड़का भी तैयार है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये तड़का। फ्लेम को कर दे बंद, इसे चला लें थोड़ा सा। ये देखिए बनकर तैयार है। तो अब मैं इसे सर्व कर लूँगी। ये देखिए तड़का को मैंने सर्व कर लिया है। तो अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए। तो बनकर तैयार है दाल तड़का की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, नीचे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।